वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दिनों दिन बढ़ते हुए कुप्रभाव के बीच गाजीपुर में शासन और प्रशासन के अलावा युवाओं की कई टोलियां नगर सहित ग्रामीण इलाकों को सैनिटाइज करने का काम निस्वार्थ भाव से निरंतर कर रही हैं। गाजीपुर नगर के सकलेनाबाद निवासी वरुण प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में भी एक टीम इसी काम में लगी है। तिलक नगर कॉलोनी में सैनिटाइजेशन के दौरान वरुण प्रकाश ने बताया कि इस महामारी से पूरा विश्व मुक्ति चाहता है। इस संकट के समय में देश हित में थोड़ा सा योगदान हम भी दे सके, इसी निमित्त इस कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह में हमारी टीम सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को सैनिटाइज करती है, इसके साथ ही शाम में कॉलोनियों और गांवों को सैनिटाइज करने का काम किया जाता है। उन्होंने आगे भी बताया कि हमारे कार्य को देखकर कई संस्थाओं द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया है, जो हमें और दृढ़ता से इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। आगे कहा कि अपने जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों से भी लोगों के आग्रह पर हम सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। वरुण जी, ये सैनिटाइजेशन का काम कब से चल रहा है? सैनिटाइजेशन का काम 32 दिन से निरंतर चल रहा है, आज 33वां दिन है और हम लोग नगर के सभी सरकारी भवन वार्डों को सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। सैनिटाइजिंग हम लोग का दो शिफ्टों में चलता है, सुबह हम ऑफिस और कार्यालय व सरकारी भवनों को करते हैं और शाम को सैनिटाइजिंग हम नगर के सभी वार्डों को करते हैं। ये सैनिटाइजर का जो लिक्विड आप तैयार करते हैं उसमें किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं? सैनिटाइजर का जो हम लिक्विड तैयार करते हैं उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को हम लोग मिक्स करते हैं और H2O में मिलाकर, पानी में मिलाकर इसे हम लोग छिड़काव करते हैं। ये गाजीपुर शहर के अलावा भी कई अन्य जगह पर आप लोगों ने ये सैनिटाइजेशन का काम किया है क्या? मऊ जिल हम लोग गए थे सैनिटाइजेशन करने के लिए, मानव अधिकार के द्वारा हमें बुलाया गया था और फिर हमें परसों जौनपुर जेल जाने का आग्रह आया है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। कुछ दिनों पूर्व उनकी टीम ने मऊ कारागार को सैनिटाइज किया था, अब उन्हें जौनपुर भी इस कार्य के लिए बुलाया जा रहा है जहां वह जल्द ही जाएंगे। इनके टीम के ही सदस्य रजत श्रीवास्तव से जब इस महामारी से डरने या ग्रसित होने के बाबत पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स के साथ खुद को कवर करते हैं, हैंड सैनिटाइजर का निरंतर प्रयोग करते हैं। रजत जी, जैसा आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लॉकडाउन का पालन करते हुए और घर में रहने की अपील कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इस वैश्विक संकट में अपना सहयोग देने के लिए लगातार जगह जगह घूमकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, क्या इसके लिए आपको डर नहीं लगता? हम और हमारी टीम पूरी तरीके से सभी मापदंडों से अपना कोशिश करते हैं कि सैनिटाइजेशन करके, पूरी तरह सैनिटाइज करके, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का किसी को, अपने टीम को और किसी और को भी कोई संक्रमण ना पाए। उनकी टीम के कुंवर रुपेश कुमार, कृष्णा यादव, आलोक, आशुतोष श्रीवास्तव, बादल कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा का पूरा सहयोग मिलता है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आप तक ऐसे ही खबरों को पहुंचाते रहें।